आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। जब से बिग बॉस आया था और बिग बॉस खत्म हो चुका है उसके बाद भी राखी और उनके जो अब एक्स हस्बैंड नहीं है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रितेश की, वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले बात हुई थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन बिग बॉस में सामने आया है कि शायद नहीं है। लेकिन उसके बाद दोनों ने अनाउंस किया है कि हम सच में हस्बैंड वाइफ है। शायद ये सारा मामला टीआरपी का था, लेकिन उसके बाद जब बिग बॉस के घर से बाहर आ गए तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फोटोज और वीडियोज वायरल होती नजर आए, जिसमें राखी सावंत साफ साफ अपने पति रितेश को किस करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया कि इन दोनों ने फैसला किया अब हम अलग हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर खबर ये सामने आ रही है कि रितेश ने राखी सावंत को धमकी दी है, उनको धमकी दी है कि तू मेरे सामने मत आ जाना वरना। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये धमकी क्यों दी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहला सवाल तो यही आता होगा कि क्या ये सच में हस्बैंड वाइफ है भी या फिर नहीं। लेकिन चलिए उस बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे, अभी ये बता देते हैं कि यहाँ पर रितेश ने राखी को आखिरकार धमकी क्यों दी है। बता देते हैं कि राखी यहाँ पर जो राखी की रिसेंटली फोटोज रिलीज हुई है वो रिलीज हुई है उनके पर्सनल चोपर को लेकर, जिसकी वजह से रितेश काफी ज्यादा उन्हें देखकर भड़क गए हैं और उनको ये साफ साफ कहते हुए नजर आए थे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बता दें कि यहाँ पर रितेश जो है वो बार बार राखी सावंत की अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते रहते हैं और अलग अलग कैप्शन भी देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक फोटो शेयर किया और उसके नीचे लिखा, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम मेरे सामने मत आ जाना वरना क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। इस पर कमेंट किया राखी सावंत ने कि तुम अपने काम से काम रखो, इस तरह से कमेंट किया। और उसके साथ ही जब रितेश ने कमेंट का रिप्लाई किया तो वो वहां पे कमेंट में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया और राखी ने कहा कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, और रितेश ने ये कहने से पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन रितेश ने ये बात कह दी कि अगर टीवी पे किसी और शो में तुम मुझे दिखाई देती हो तो मैं तुम्हें नानी तक याद दिला दूंगा, मुझे तुमसे इतनी ज्यादा नफरत हो गई है। लेकिन क्वेश्चन हमेशा से यहाँ पे यही उठता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। अगर आपने इन सारी बातों को समझा है तो आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।